हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर पीके अग्रवाल और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 यानी कि द लिविंग वर्ड से। दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है, इसका मेन पर्पज है आप लोगों को एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पर क्वेश्चन बना करके देना, जिससे एनसीईआरटी को आप लोग बहुत अच्छे से मास्टर कर सको, इसको लाइन टू लाइन आप लोग रिवाइज कर सको। तो दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये लगातार कंटिन्यू रहेगी और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सभी चैप्टर्स पर मैं क्वेश्चंस बना करके आपको दूं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करने के लिए। कॉपी पेन ले लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर अपीयर हो तो वैसे ही आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, उसके बाद अपना आंसर मार्क करिए, और जब आप अपना आंसर मार्क कर लें तो उसके बाद स्क्रीन को प्ले करके आप सही आंसर भी सुनिए और उसका सही डिस्क्रिप्शन और एनालिटिकल उसकी पूरा रीजन के साथ उसका आंसर समझने की कोशिश करिए। तो आइए फ्रेंड्स, आपकी स्क्रीन पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु पायोनियर्ड द करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ अ बायोलॉजिकल स्पीशीज। दोस्तों, बायोलॉजिकल स्पीशीज की बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, किंतु जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशंस है ना, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे ही बायोलॉजिकल स्पीशीज की पायोनियरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अधिकतर स्टूडेंट सीधा सीधा आंसर लगा देते हैं जॉन रे ने स्पीशीज टर्म प्रपोज किया था, किंतु बायोलॉजिकली या करेंटली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है ना, बात उसके बारे में हो रही है। तो आप लोगों को बहुत यहां ध्यान रखना है। तो इसके ऑप्शंस हैं अंस हिकल, अंस मेयर और कैरोलस लीनियस और साथ में जॉन रे। देखिए, कैरोलस लीनियस भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था, क्लासिफिकेशन पर बहुत ज्यादा वर्क किया था। किंतु जो करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है एज पर एनसीईआरटी दोस्तों, उसका सही आंसर क्या होगा, अंस मेयर। तो यानी कि आंसर नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन। तो आप सभी को मालूम है फ्रेंड्स कि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए अलग अलग बॉडीज हैं, है ना, अलग अलग तरीके के क्राइटेरिया जो सेट करती हैं, प्रिंसिपल्स जो सेट करती हैं, कि जिससे उनकी नेमिंग हो सके और उनका फर्दर क्लासिफिकेशन हो सके। ठीक है, तो नेमिंग के लिए पर्टिकुलरली जो प्लांट्स हैं उनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, यहाँ पर दे रखा है देखिए प्लांट्स, तो यहाँ एनिमल्स की बात नहीं हो रही है, इसीलिए ICZN तो आप लोग हटा दीजिए। ठीक है, अब ये जो तीन रह गए ना, ये तीन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ICBN। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्लांट नोमेनक्लेचर ये कोई बॉडी है ही नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं दोस्तों, ये सब एनसीईआरटी के हिसाब से ही आपको चलना है ना, कहीं पर भी आपको एनसीईआरटी को डेविएट नहीं करना है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आएगा, और यदि कहीं गलत भी होगा तो भी वही चीज मानी जाएगी दोस्तों जो एनसीईआरटी में दे रखी है। ओके, तो नंबर और टाइप्स दो चीजें आपसे पूछी गई हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में। तो बायोस्फीयर तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि बायोस्फीयर इज द प्लेस ऑन द अर्थ वेयर लाइफ इज पॉसिबल, है ना, जहां लाइफ मिलेगी आपको, लाइफ संभव है, तो उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोमास तो सम टोटल ऑफ लिविंग बींग्स का जो मास है उसको बायोमास बोलेंगे दोस्तों। और इकोसिस्टम आप लोगों को मालूम है, लिविंग और नॉन लिविंग या एबायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं उनकी स्टडी के लिए जो भी एरिया है, वेल डिफाइंड जो एरिया है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो नंबर और टाइप्स दोनों को कंसीडर करती है जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है। ओके, नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल नेम्स हैव बीन टेकन मेनली फ्रॉम विच लैंग्वेज, है ना। तो यहां स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं दोस्तों अक्सर ग्रीक में और लैटिन में, है ना। तो आपको फिर मैं बता रहा हूं एज पर एनसीईआरटी ही चलना है। ओके, क्लियरली वहां मेंशन किया हुआ है ग्रीक, पर्शियन, लैटिन और इंग्लिश। तो सही आंसर क्या होना चाहिए यहां पर, लैटिन। ओके, तो लैटिन को आप लोग लगा लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। तो जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आए तो उसको पॉज कर लो, है ना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पहले आपको आंसर देने के लिए टाइम दूं और फिर उसके बाद सही आंसर बताऊं। तो आपको सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्क्रीन को पॉज कर लो। ओके, बात ओके, उसके बाद आप अपना आंसर दीजिए और उसके बाद आप सही एक्सप्लेनेशन को स्क्रीन प्ले करके सुनिए। ओके, वेल नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 5।
विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्स ऑफ बायोलॉजिकल नॉमनक्लेचर इज नॉट ट्रू। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसमें आपको एक एक ऑप्शन को बहुत केयरफुली पढ़ना पड़ेगा, है ना। इनमें से कौन सा ऐसा रूल है बायोनोमियल नॉमनक्लेचर का या बायोलॉजिकल नॉमनक्लेचर का जो ट्रू नहीं है? ऑप्शन ए है, बायोलॉजिकल नेम्स आर ऑलवेज रिटन इन इटैलिक्स, तो जनरली ये इटैलिक्स में ही लिखे जाते हैं। बी है, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों को मालूम है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को ही रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन सी है, तो फ्रेंड्स बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम आर सेपरेटली अंडरलाइंड व्हेन रिटन बाय हैंड, ठीक है ना। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब आप इटैलिक्स में नहीं लिख सकते हो तो जब आप हैंड रिटन लिखते हो तो यू हैव टू सेपरेटली अंडरलाइन देन, ओके। डी ऑप्शन है दोस्तों, द फर्स्ट वर्ड ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। अब यहां फर्स्ट वर्ड किस चीज का है, स्पीशीज के बारे में बात हो रही है, जीनस के बारे में बात हो रही है, ये नहीं है। तो फर्स्ट वर्ड हमेशा आप लोगों को मालूम है जीनस ही होता है, और उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कैपिटल से ही लिखा जाएगा, क्लियर। तो अब इसमें से सही कौन सा हुआ दोस्त, मतलब ऐसा कौन सा हुआ जो सही नहीं है, तो वो फिर दोस्तों ए ही आपका आंसर हो सकता है, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स आर यूजुअली रिटन इन इटैलिक्स बट नॉट ऑलवेज, क्योंकि इसमें ऑलवेज लगा हुआ है ना। यदि आप हैंड रिटन लिखोगे तो फिर आपको इटैलिक्स में लिखने की जरूरत नहीं है, आप उनको अंडरलाइन करके भी लिख सकते हो, है ना, वो भी सही हो जाएगा आपका। तो इसीलिए ऑप्शन ए जो है ये बेटर आंसर होगा। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स। तो बायोलॉजिकल नॉमनक्लेचर में दोस्तों हमें ऑथर का नेम भी स्पेसिफाई करना होता है उन स्पीशीज के बारे में जिनको किसी ऑथर ने डिस्क्राइब किया हुआ है, ओके। तो वो आप कब करोगे, बिफोर द जेनेरिक नेम, नो नॉट एट ऑल, आफ्टर द जेनेरिक नेम, ये भी गलत है क्योंकि आप स्पीशीज और जीनस के नेम के बीच में उसको स्पेसिफाई नहीं करते हो। बिफोर द स्पीशीज एपिथेट, तो वही मतलब हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, दैट इज आफ्टर द स्पीशीज एपिथेट, क्लियर। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, है ना। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड सिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमी एंड आइडेंटिफिकेशन। तो ये सारे के सारे देखिए कंफ्यूजिंग है ना। देखिए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिकली क्या है, इसमें आप क्लासिफिकेशन भी करते हो, इसमें आप आइडेंटिफिकेशन भी करते हो, इसमें आप जरूरत पड़ने पर नॉमनक्लेचर भी करते हो। तो ये सारे के सारे जो तीनों वर्क हैं ये मिलाकर के दोस्तों बनती है टैक्सोनॉमी, ओके। तो सही आंसर यहां क्या जाएगा एज पर एनसीईआरटी, टैक्सोनॉमी, ओके। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। फोर इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, दैट इज कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर, दे आर बेसिक टू, है ना। तो ये एज सच पूरी की पूरी लाइन एनसीईआरटी में दोस्तों दे रखी है कि ये जो चारों इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर, ये चारों प्रोसेसेस को मिलाकर के दोस्तों हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक्स, बायोसिस्टमैटिक्स, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सब मिलता जुलता है ना। तो यहां कंफ्यूजन होगा, तो पॉइंट टू पॉइंट आपको रखना है, बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चलना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, दैट इज टैक्सोनॉमी। तो टैक्सोनॉमी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए टैक्सोनॉमी में ये चारों चीजें इंक्लूडेड हैं, कैरेक्टराइजेशन यानी कि कैरेक्टर्स की स्टडी करना, उसके बेसिस पर ये पता लगाना कि इसको कहां रखा जाना चाहिए, इसका क्या आइडेंटिफिकेशन है, फिर उसको प्रॉपर प्लेसमेंट देना, और यदि जरूरत है तो फिर उसको नया नाम भी देना, ओके। तो ये सारे काम टैक्सोनॉमी में आएंगे। अब आते हैं फ्रेंड्स सिस्टमैटिक्स पर, है ना। तो सिस्टमैटिक्स डिफर फ्रॉम टैक्सोनॉमी इन दैट, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में क्या डिफरेंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहां कंफ्यूजन रहता है। देखिए बहुत बारीक सा डिफरेंस है ना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आज की डेट में हम लोग सिस्टमैटिक्स और बायोसिस्टमैटिक्स ये वर्ड्स ज्यादा यूज करते हैं। देखिए जिस समय टैक्सोनॉमी की शुरुआत हुई उस समय इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, है ना। इवोल्यूशन के बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स में कितनी क्लोजनेस है ये स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यदि हम टैक्सोनॉमी में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी एक प्लेस दे दें, है ना, उसको भी यदि इंक्लूड कर लें, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टमैटिक्स, ओके। तो ये नोट कर लीजिएगा, सिस्टमैटिक्स की जब भी बात होगी तो उसमें एक ऐसा क्लासिफिकेशन होगा जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी अपने में शामिल करता हो, ओके। तो ऑप्शंस हैं, इट फोकसेस ओनली ऑन क्लासिफिकेशन एंड नॉट ऑन नॉमनक्लेचर, तो ये तो गलत है। इट फोकसेस ओनली ऑन आइडेंटिफिकेशन एंड नॉट ऑन क्लासिफिकेशन एंड नॉमनक्लेचर, ये भी दोस्तों गलत है। ऑप्शन सी है, इट फोकसेस ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेस्ड ऑन द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग देम,
ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर आपका यही हो जाएगा। तो यही बेसिक डिफरेंस है सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी में, है ना, तो सारे ट्रू होने का तो कोई मतलब ही नहीं। तो दोस्तों सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। चलिए फाइनली वी कम टू क्वेश्चन नंबर 10 एंड द क्वेश्चन इज सिस्टेमा नेचुरी, या नेचर भी आप इसको बोल सकते हैं, प्रोनंसिएशन अपना अपना हो सकता है। सिस्टेमा नेचर वॉज द टाइटल ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ, है ना, तो ये जो पब्लिकेशन था दोस्तों किसका था, किसने ये वर्क किया था, तो ये आप सभी को मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। अंस ठीकल ने नहीं किया, अंस मेयर ने भी नहीं किया, तो ये वर्क था दोस्तों कैरोलस लीनियस का, जॉन रे का भी नहीं था। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है, और इसमें इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन का जो सारा फंडामेंटल्स थे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की सारी जानकारी थी, वो उन्होंने प्रपोज की थी, ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मुझको जरूर बताइए कि ये जो नया प्रयास है, नई जो कोशिश है आप लोगों को एनसीईआरटी को रिवाइज कराने की और एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चंस देने की, तो ये आपको कैसी लग रही है, मुझे अपने कमेंट से, अपने फीडबैक से जरूर जरूर बताइए, जिससे कि मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोगों की हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो दोस्तों टेस्ट सीरीज को आप लोग लगातार देखते रहिए, ये चैनल आप ही लोगों का है और इसको ग्रो कराना आप ही का काम है, ठीक है। तो दोस्तों अगले टेस्ट में फिर मिलेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट।